सर काफी लीक था इस समय में, लेकिन लास्ट में काफी टाइट हो गया मैच। बिल्कुल वही 10 पॉइंट का लीड था, 23-33 थी और फिर 28 रह गया। एक तो हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया थोड़ा सा, उसका भी कारण था, बाकी हो जाता है गेम में। पच दूसरी भी अच्छी टीम थी, ऐसी बात नहीं है। आशु आपने फिर से सुपर टेन किया, तो आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में क्या? सर देखो जैसे हमारी शुरू में लीड थी, लेकिन ये लास्ट में आगे थोड़ा मैच लूज हो गया, काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं, मेरे से भी हुई हैं, डिफेंस से भी हुई हैं। नेक्स्ट मैच में हम जो सुधार देखो, ये तो एक पार्ट है गेम का, ये तो टेक्निकल ऑफिशियल्स का जॉब है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। बड़ा बड़े नाराज थे? नाराज नेचुरली दैट इज देयर। मैं तो ये मानता हूँ कि वो उस सिचुएशन पे वो नहीं था, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफिशियल्स की है भाई, क्या होता है, हमारा तो काम है अपील करना, तो वो नेचुरली है। एक दो में उन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि भाई गलत डिसीजन दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी टीम है ऑफिशियल्स की, वो उनके उसमें वो ठीक है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तो नहीं, हमारा नेचुरली होता है, ये तो नेचुरली है। फिर लास्ट में रिस्क भी नहीं लेना चाहते, लास्ट में मान लो रिस्क भी नहीं लिया जाता ना, भाई डिसाइड करके आए हैं तो कैच हो जाए तो हार भी सकते हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस लूज हो गया, सबसे बड़ी बात है, ऑफेंस से नहीं हुआ, डिफेंस लूज हो गया, हो जाता है, ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आप एंड में दोनों टीम्स को मतलब वो नहीं नहीं दो तीन रेड में नहीं, लास्ट सेकंड्स में, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, ना वो लेंगे ना हम लेंगे, क्योंकि देखो 3 पॉइंट में और 1 पॉइंट में 2 पॉइंट का अंतर है, तो यहाँ तो जो है ना पॉइंटों में चलता है, 0-0.1 में ऐसे जो है ना, अब आगे प्लेऑफ के लिए तो वो एक एक पॉइंट काउंट होगा, इसलिए डिसीजन ले लिया हमारे कैप्टन ने भी, हमने भी डिसाइड यही किया। हालांकि वासु की जो है ना सक्सेस हो रही थी हर बार रेट, और एक स्लाइटली 4 पॉइंट थे एक रेट के अंदर, वो हो भी सकते थे नहीं भी हो सकते थे, उसमें कुछ नहीं होता, ये तो गेम है। पहले हमने स्कोर आया भी था वो, तब भी हमारी काफ़ी लेट थी और मैच बड़े क्रिशियल सिचुएशन में आ गया था, लेकिन अब फिर ये सिचुएशन सेम आ गई, तो ये हो जाता है, फिर तो टाई खेलना ही। आशु आपको कैप्टन से कैसा लग रहा है अभी? देखो सर पहले कैप्टन नवीन था और वो भी अपनी भूमिका निभा रहे थे, अब सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है, मैं भी मतलब अपनी अच्छी भूमिका दे रहा हूँ कैप्टनशी में, लेकिन थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं सर, कोई नहीं, कोच साहब हैं, जोगिंदर भाई साहब हैं और हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, कोई नहीं, सभी मिलकर गलतियाँ बताएंगे, उनको सुधारेंगे, थोड़ी और स्ट्रेटेजी बनाएंगे, नेक्स्ट मैच में अपनी गलती को सुधारेंगे सर। आशु आपकी कैप्टनसी के अंडर अभी 5 गेम्स अनबीटन हो, आपका परफेक्ट रिकॉर्ड है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लगता हो यार मेरे अंदर 5 मैच अनबीटन है हम? हाँ सर थोड़ा, हाँ मोटिवेट भी हुए हैं, पूरी टीम मोटिवेट हुई है, रेडिंग में भी अच्छा सपोर्ट किया मंजीत ने, मिथुन ने, और डिफेंस भी काफ़ी अच्छा साथ दे रहा है। पर्सनली आपको मोटिवेट ज़्यादा होता है कि यार कैप्टन को के भी सुपर टेन दे रहा हूँ मैच में? नहीं, हाँ सर ये तो है कि नहीं, जैसे साथ मिलता रहे ना दूसरे रेडर होगा तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि टीम भी अच्छा कर रही है। देखो दोनों अच्छे लड़के हैं, दोनों योगेश और आशीष दोनों यंग अच्छे जूनियर्स के लड़के हैं, ये अंडर 20 हैं, अंडर 19 लड़के, तो ये अच्छा कर रहे हैं, और इसीलिए जो है ना
थोड़ा सा एकाध जो है ना फर्स्ट प्रो कबड्डी का सीजन 10 में उनका फर्स्ट कमिंग है, तो उसमें एकाध गलती हो जाती है, तो वो उसकी कमी इस मैच में मैं लगी थोड़ी सी, तो नेक्स्ट मैचेज में किसी भी सूरत में नेक्स्ट मैच में वो गलती नहीं होगी। क्या इस मैच से अगर एक चीज आपको लेनी है आप दूसरे मैच से क्या सीख मिली है? हाँ, इससे देखो सीख अब तो जो है ना एक एक मैच बहुत क्रिशियल है, क्योंकि दो पॉइंट हमारे चले गए ये वही बहुत बड़ी सीख है। अब हम नेक्स्ट मैच जिससे भी है हमारा गुजरात से है तो उसका टारगेट रखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे, मेन फोकस नेक्स्ट मैच। दो पॉइंट हमारे चले गए तो वहाँ एक मेन फोकस हमारा वही रहेगा, नहीं जाने देंगे। थैंक यू थैंक यू। देखिए उनकी स्टार्टिंग से लीड चल रही थी और लास्ट में जैसे दो थे वो एक हमारा सुपर टैकर हो गया, तो दो पॉइंट हमारे लॉस गया। अगर वो सुपर टैकर ना होता तो हम ये मैच जीत भी सकते थे, लेकिन उनकी लीड थी, पीछे से कवर किया, अगर टाई भी खेला तो ठीक है, हार से तो टाई अच्छा है। सही तरीके से जो प्लान थी उस पर पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ कमियां रही हैं उसके ऊपर तैयारी करेंगे, आगे प्लान बनाएंगे अगले मैच में, ताकि आगे कमियां ये जो गलतियां हुई हैं ये ना हों। तो रही है हमारे जैसे डिफेंस में एक दो गलतियां हुई हैं जो, और वहां सुपर टैकल हुआ हमारा, तो उसमें जो मिस्टेक हुई हैं कोशिश करेंगे कि भी इसी तरह आगे ना हो अगले मैच में, और पूरी प्लानिंग के साथ में अभी जिस सिचुएशन पे अभी हमारी टीम चली हुई है ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो जो मिस्टेक हो इसको ऊपर प्लान करेंगे और अगले मैच में और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आगे के मुकाबलों में क्या उम्मीद है, आगे जो मुकाबले होने वाले हैं आपने जो अगले मैच है उसके लिए आपको क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद हमारी टीम अच्छी है, ऑफेंस और डिफेंस, तो जहाँ हमारा इस मैच में जैसे वहाँ एक कवर किया था मनीष ने, वो हमारा जो रिव्यू चला गया उस पर हमारे को पीछे से ऐसे लग रहा था आउट था, तो आगे से दिखाई नहीं था, इसलिए हमने रिव्यू लिया, तीन मैच स्टार्टिंग से चले गए थे। तो जो छोटी गलतियां अगले मैचों की यही प्लान है, जो इस मैच में मिस्टेक हो रही है जो डिफेंस के अंदर है, तो रेट्रो में तो कभी मंजीत चल रहा है कभी संदीप चल रहा है, और बाद में सचिन भी काफ़ी अच्छा किया है, तो डिफेंस में जो कमियाँ हुई उसको उसमें प्लान करेंगे, सुधार करेंगे और अच्छा आगे अच्छा खेलेंगे। नहीं जी, वो सचिन हमारे से पूछ रहा था कि उनकी थर्ड रेड लेनी है तो वहाँ से जल्दी करके आनी पड़ेगी, तो उसमें उनके वहाँ पांच खिलाड़ी हैं तो चांस कम थे हमारे निकलने के, तो इसलिए हमने वो हमारे से पूछ रहा था इशारा करके कि भी हमें मतलब उनकी थर्ड लेनी है या फिर टाई रखना है, तो वो इशारा ये था कि फिर हमने टाई की प्लान की, तो क्या पता मतलब लास्ट मोमेंट में क्या सिचुएशन आएगी, तो टाई का प्लान था वो इस पूछ रहा था वो क्या करना मैच का। तो इसलिए वो भी उनके मोमेंट का भी पता चल गया था, उनके जो प्लेयर ने कोचिज की साइड में देखा तो वहां से भी सारा यही आ रहा था टाई रखो, और हमारा भी प्लानिंग थी तो दोनों साइड से पता चल गया था कि वो भी सेफ मार के जा रहे थे, तो हमने भी सेफ का तो पता चल गया था कि मैच टाई जाएगा। मैच में
देखो जी, जो स्टार्टिंग की जो हमारी टीम बैक थी, विश्वास था हमारे वे रेड करेंगे और यहाँ डिफेंस में भी थर्ड रेड के ऊपर करेंगे, कैच करेंगे बिल्कुल। तो जो परफॉर्मेंस बाद में दी है उसमें थोड़ा खुशी तो होती है, एक भी कम बैक रही है, 9-10 मिनट की लीड को कवर किया है, लेकिन जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था जो मैचिंग में जो मिस्टेक हुई है उसको पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि अच्छी टीम है अभी हमारे स्टार राइडर है भाई सचिन है, मंजीत है और डिफेंस में नीरज है, कॉर्नर भी हैं क्रिश्चन है, बहुत अच्छा करता है, तो जो कॉर्नरों से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अगले मैच में ये चीज़ हमारे को देखने को ना मिले और जो हमारे रेडर पॉइंट ले गए हैं तो उसको यहाँ आगे कंट्रोल करें डिफेंस से पॉइंट में। बिल्कुल जी, जो फर्स्ट में देखो पिछले मैच में भी दिल्ली के साथ में हमारा ही आया था कि वहाँ लाइन आउट हो गए थे और इसी मिस्टेक से ऐसा हो गया था कि मतलब फिर डिस्टर्ब हो जाती है टीम, तो आज थोड़ा वो स्टार्टिंग में ही लीड ले गए थे, वो 3 पॉइंट चले गए थे, तो उसमें भी हमने ये पीछे से हमने ये देखा था कि भी उसके रेडर आउट हो सकता है, तो वो 3 पॉइंट जाने के बाद में एक बार देखो अच्छी टीम है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है और लगातार, तो उसमें यही था कि मतलब वो अपना जो पॉइंट दे रहे हैं लीड ले रहे हैं उसको हमने विश्वास था हमारे भाई कुछ कवर करेंगे, और नहीं तो स्टार्टिंग से ही हम अच्छे प्लान ले गए थे भाई जो पिछले मैच में जो गलतियाँ हुई वो अब नहीं। अनिल जी से सवाल है कि अच्छी वापसी की आपकी टीम, आप लगता है कि इतनी अच्छी वापसी के बाद आप संतुष्ट हो, टाई से लगता है कि जीत सकते? देखिए लास्ट में अगर हम हमारे पूरा डिफेंस खड़ा था, अगर हम थर्ड रेड लेना भी चाहते तो इक्वल भी हो सकता था, क्योंकि उनके पास एक बोनस की चांस ज़्यादा था, अगर बोनस पे हम लूज़ भी कर सकते थे मैच, लेकिन उन्होंने भी टाई रखा, अगर हम 5 का डिफेंस होते हम डेफिनेटली हम उनकी थर्ड रेड लेते, लेकिन हमने ये सोचा कि बोनस पे रिस्की हो जाता है, कहीं रेडर निकल ना जाए, 1 पॉइंट प्लस बोनस ना चला जाए, इसलिए हमने मैच को टाई रखना अच्छा सोचा।